फ्लेक्स बॉक्स की थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेक्स रैप की। ये फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आपको सामने दिख रही हैं। पहली वैल्यू है हमारी रैप, दूसरी है नाउ रैप और तीसरी है रैप रिवर्स। तो जल्दी से फटाफट चलते हैं हम लोग अपने सबलाइन पर और चेक करते हैं इनकी वर्किंग को कि कैसे ये काम करती हैं। हम लोग आ गए हैं अपने सबलाइन पर और यहाँ पर मेरा पुराना वाला कोड पड़ा हुआ है जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पर मेरा ये तीन कॉलम मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं या तीन डिव मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यूज़ करने हैं फ्लेक्स के रैप प्रॉपर्टीज़। तो उन सब के केस में मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको इसका आउटपुट दिखाऊँ तो ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पर लगा रखी है फ्लेक्स जो मैंने प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई है आइटम्स पे, और ये मेरा आइटम्स की मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहली प्रॉपर्टी को चेक करना है फ्लेक्स रैप। इसको कर देते हैं रैप। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे कुछ डिफरेंस यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि रैप का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बड़ी होती जा रही है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा इनको बढ़ा लेते हैं यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 यहाँ कर लेते हैं 4, ये हो गया मेरा 5 जल्दी से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बहुत हैं, इनको बाकी यहाँ से उड़ा देते हैं। अब मैं इनको चेक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे 10 दिख रहे हैं मुझे। ये 10वां मेरा नीचे क्यों आया, क्योंकि मैंने फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो फ्लेक्स रैप है वो रैप कर रखा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पर देखना एक हॉरिजॉन्टल बार आ जाएगी, ये देख रहे हो, क्योंकि ये जो है तोड़ेगा नहीं जब तक मैं इसको रैप नहीं करूँगा। तो मैं जैसे ही इसको रैप प्रॉपर्टी देता हूँ तो ये नीचे अपने आप टूट के आने लगेगा। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, देख रहे हो जितना इसको स्पेस मिलता जाएगा ये अपने आप उतने ही मॉड्यूल्स को नीचे तोड़ता हुआ चलेगा। एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो होती है नाउ रैप। नाउ रैप वो बाय डिफॉल्ट नाउ रैप प्रॉपर्टी जो होती है, अगर हम नाउ रैप नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट नाउ रैप पे ही काम करता है। जो जो फ्लेक्स की रैप प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट नाउ रैप ही होती है। अगर मैं इसको लगा भी देता हूँ तो भी उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हमें हॉरिजॉन्टल बार दिखाएगा ही दिखाएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी, मैं थोड़ा सा उसको जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से आपको। तीसरी होती है रैप रिवर्स। रैप रिवर्स मैं अगर इसको रिफ्रेश करके आप दिखाऊँ, कोई फर्क नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जैसे ही मैं पेज को थोड़ा सा जूम इन करूंगा तो मेरा 1, 2, 3, 9 तक यहाँ 10th यहाँ हो गया। थोड़ा और जूम करता हूँ तो 1, 2, 3 और 8 ऊपर चला गया 9। मीन्स यहाँ पर स्पेस नहीं मिलता जा रहा, नहीं मिल रहा है, तो मेरे जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर रैप कर देता हूँ, डिफरेंस समझना आप, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखो 1 मेरा ऊपर आ गया और 10, 8, 9, 10 मेरे नीचे आ गए। लेकिन उल्टा जब मैं रिवर्स कर देता हूँ इसको तो ये तीनों ऊपर चले जाते हैं और ये 1, 2, 7 नीचे आ जाते हैं। तो ये तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आने वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो भी कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।